वीर सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा काव्य पुरुष पुस्तक का लोकार्पण समारोह गुरुवार को जिला पंचायत हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर आनंद मिश्रा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा, काव्य पुरुष के प्रधान संस्थापक प्रोफेसर रामदरस राय, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, प्रख्यात कवि ब्रिजभूषण सहित कई साहित्यकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत उन्हें माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया, जिसके पश्चात अतिथियों ने कवि ब्रिजभूषण राय के जीवन संघर्ष पर आधारित काव्य पुरुष पुस्तक का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने काव्य पुरुष पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। आपको बताते चले कि काव्य पुरुष पुस्तक कवि ब्रिजभूषण राय के जीवन संघर्षों पर आधारित है, जिससे 50 से ज्यादा कवियों ने मंथन कर श्री राय के संघर्षों को किताब में उतारने का प्रयास किया है। साल भेंट करके होने से जुड़ा आपने विनोद राय जी सामने माल्यार्पण करके सम्मानित करके जोरदार तालियों से स्वागत उन्हें स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह और साल प्रोफेसर जोरदार तालियों से स्वागत राम संपादक जी का डॉक्टर प्रमोद जी के द्वारा सम्मान की अंतिम श्रृंखला चले जोरदार तालियों से स्वागत भैया अलग अलग विचार करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, मगर आप सभी को एक साथ देखकर एक साथ पाकर अपार खुशी हो रही है। महानगर से आए हुए सभी साथ और उनके क्षेत्र से आए हुए तमाम अपने लोग हैं, सभी को पाकर अपार खुशी हो रही है। किताब का अभी लोकार्पण हुआ, किताब आप तक पहुंचने वाली भी है। मुझे जानकारी मिली है कि आप सभी के लिए किताब की व्यवस्था है। किताब आप स्वयं देखेंगे, देख कर निर्णय लेंगे कि किताब कैसी है। किताब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना और कवि के बारे में भी मुझे नहीं कहना है, क्योंकि ये करीब है उन पर अगर मेरी ओर से कुछ कहा जाएगा तो वह अधिक कहा हुआ समझा जाएगा और मुझे क्या कहना है। यह किताब बहुत कुछ स्वयं कहेगी, पढ़ेंगे आप सभी साहित्यकार हैं, आपको साहित्यिक सुख प्राप्त होगा। गोरखपुर की योगदान कर भी साहित्य योगदान कर भी रोशनी डालने की हमने कोशिश की है, लेकिन ऐसा वो प्राय हो पा रहा है। मेरे मन में आया वर्षों पहले कि गोरखपुर या गोरखपुर परिक्षेत्र की साहित्यिक विभूतियों को रेखांकित किया जाए उनके योगदान के लिए।